वैक्सिंग करने के लिए और इन चीजों से आप आराम से घर पे ही वैक्सिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जो चीजें चाहिए वो ये सारी चीजें हैं। तो घर पे वैक्सीन करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है, जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है ये है वैक्स हीटर। और ये दो तरह के हीटर आते हैं, एक तो ऑटोमेटिक होता है, एक नॉन ऑटोमेटिक होता है, मतलब सिंपल होता है। तो ऑटोमेटिक का फायदा ये है कि ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है, अपने आप ऑफ हो जाता है, बीच बीच में ओवर हीटिंग नहीं होती है, तो इसलिए ऑटोमेटिक लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और विदाउट ऑटोमेटिक भी आता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ये 500 to 600 के बीच में आपको हीटर कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी ब्यूटी स्टोर में भी ये अवेलेबल होता है। तो घर पे वैक्सिंग के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो ये आप देख सकते हैं ऑन होते ही इसकी लाइट जल रही है। तो एक हीटर की ज़रूरत होती है, साथ में हीटर के साथ अगर आप हॉट वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो वैक्सिंग स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ती है। तो और वैक्सिंग स्ट्रिप जो ये काफ़ी मोटी 50 स्ट्रिप्स मिल जाती हैं 30-40 रुपीज़ में, जो कि बहुत दिन चल जाती हैं एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं और ये भी आपको सेम कॉस्मेटिक स्टोर में आराम से मिल जाएगा। तो घर पे आप इससे भी इससे स्ट्रिप से वैक्सिंग कर सकते हैं अगर आप हॉट वैक्स यूज़ कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रिप है इस तरह से होती है, पतली होती है, पतली शीट की तरह होती है, बहुत लोगों को पता भी होगा जिन्होंने पार्लर में जाके वैक्सिंग कराई है। और ये फिर मेरे पास हनी ग्लो की वैक्स है, हॉट वैक्स है, जिसे हम इसमें हीटर में डाल के फिर घर पे वैक्स कर सकते हैं। तो अंदर से ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी ओल्ड वैक्स है ये मेरी, तो इसे वैक्सिंग करते हैं। और साथ में चाहिए स्पैटुला, स्पैटुला नहीं तो चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वन ऑफ द पार्लर में देखा था वो लेडी बहुत अच्छे से स्पून से वैक्सिंग मतलब लेयर लगा रही थी। तो ये हुई नॉर्मल वैक्सिंग की बात, हॉट वैक्स की बात। अब आते हैं दूसरी वैक्स, जहाँ पे हम कुछ लोग अपने फेस पे भी वैक्स करते हैं एंड अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि घर बैठे बैठे खुद से कैसे करें, तो ये चीज़ें आराम से खुद से भी हो जाती हैं। जैसे मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप आसानी से ब्राज़ीलियन वैक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वैक्स है और ये जो वैक्स है ये इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल, इसमें ना एकदम चॉकलेट जैसी स्मेल आ रही है, काफ़ी अच्छी मुझे ये वैक्स लगी। बट ये वैक्स तभी अच्छी है जब आपको छोटे छोटे एरियाज में अपने हेयर निकालने हैं, स्पेशली जब आप आपके अपर लिप्स निकालें या फिर आईब्रोज के आसपास, ऊपर फेस के आसपास कहीं पर भी आपको निकालें, तो ये बहुत अच्छी वैक्स है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको लगता है आपके हाथ पैर बहुत हेयरी हैं फिर वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये जो वैक्स है इस पर हल्के के थोड़े थोड़े स्ट्रिप्स आपको इस तरह से लगाने होते हैं और इससे वैक्स खींचनी होती है, तो इसका जो पेन है वो इतना ज़्यादा मतलब नॉर्मल पेन जैसे अदर वैक्स की तरह होता है उसी तरह सेम वैसा ही है, तो कोई ऐसा नहीं कि कम है या ज़्यादा होने वाला है। हॉट वैक्स के साथ साथ आजकल ब्राज़ीलियन वैक्स भी चल रही है जो कि ईजी टू यूज़ है, जिसमें वैक्स स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो वैक्स है ये फॉर आईब्रोज के लिए है, बिकनी एरिया के लिए है एंड आपके लेग्स के लिए है, और आप इसको अलग अलग बॉडी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ ये है कि ये बेस्ट होता है आपके छोटे मतलब छोटी एरियाज़ में वैक्स करना, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए या बिकनी एरिया हो गया या आपके फेशियल हेयर्स हो गए या फिर अपर लिप्स हो गए, तो उसके लिए ये बेस्ट होती है। तो ये जो डब्बा है कुछ इस तरह से है, जो कि आपको ऑनलाइन मैं सारे लिंक्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत बार क्या होता है कि हमें कहीं पार्टी में जाना होता है या कहीं जाना होता है या शादी में जाना होता है, लेकिन हम चाहते कि घर पे ही वैक्स हो जाए, तो ये इजी अवेलेबल वैक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं घर पे। एंड ये देखो इसमें हार्ट शेप है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू थी चॉकलेट की एंड ये कुछ हार्ट शेप में है, तो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, अलग अलग शेप्स में आते हैं ये हॉट वैक्स, ये ब्राज़ीलियन वैक्स। तो इनका ये फ़ायदा है कि ये मतलब आप इनको जब यूज़ करते हैं तो इससे टैनिंग भी निकल जाती है, और साथ में ये आप ईज़िली घर पे कोई भी आप अंडर आर्म्स, बिकनी एरिया या कहीं पे भी ईज़िली घर पे खुद ही वैक्स कर सकते हैं या किसी की सिंपल थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ उसे यूज़ कैसे करते हैं। और ब्राज़ीलियन वैक्स को आपको सबसे पहले हीटर में डाल देना है। आप अगर हीटर नहीं है तो अलग तरह से भी हीट कर सकते हैं गैस पे किसी बर्तन में, बट उसमें क्या होता है ज़्यादा हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है, और वैक्सिंग हीटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं सही अमाउंट पे वैक्स को मेल्ट करते हैं। तो हम उसको गर्म कर लेंगे और
आप देख सकते हैं मैं लेग्स पे इसे ट्राई करने वाली हूँ, बट ये जो वैक्स है अगर आपके बाल बहुत हेयरी हैं तो आप उस पर ट्राई ना करें और थोड़ा सा मतलब आराम से यूज़ करें, क्योंकि ये फिर एक बार चिपक जाती है, फिर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बहुत ही हेयरी बालों पे यूज़ करना डायरेक्टली। तो मैंने सबसे पहले पाउडर लगा लिया है, और पाउडर लगाने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्स जो है पूरी मेल्ट हो चुकी है, और मेरे पास स्पैटुला तो है नहीं तो मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप छोटी एरियाज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं उसे आप लगा सकते हैं, कोई स्टिक आपके पास है उससे आप वैक्स को लगा सकते हैं, जैसे कि अपर लिप्स या फेस के आसपास कहीं पे भी आप कर रहे हैं। तो बेस्ट पार्ट ये लगे कि ये ओवर हीट नहीं हुई और आप इसे इमिडिएटली इसमें से निकाल के अपने स्किन पे लगा सकते हैं, बहुत हीट नहीं होती है इसमें, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसको मैंने एक मोटा लेयर इसको लगाना है आपके स्किन के ऊपर जहाँ पे भी आपके हेयर हैं, तो और ये तुरंत एकदम सूख जाता है। तो लेयर आप अगर थोड़ी मोटी रखेंगे तो ईजिली आप उसको थोड़ा सा पील ऑफ कर सकते हैं। तो ये पील ऑफ टाइप की वैक्स है तो देख सकते हैं, और इसको बस ऐसे थोड़ा सा पील ऑफ करके और खींच देना है, तो इसमें से काफ़ी मतलब बाल निकल आएंगे। बट अगर आपके बाल बहुत ही रेली, पैरों के बाल बहुत ज़्यादा हेयरी हैं, तो थोड़ा सा दर्द ज़रूर होगा। 1 से 1.5 इंच ही से हम स्प्रेड कर पाते हैं और फिर यूज़ कर पाते हैं, तो वेरी लॉन्ग हेयर पे इसे यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसे उस एरियाज़ में यूज़ करें जहाँ पतली लेयर्स होती हैं वैक्स की बालों की, जैसे कि अपर लिप्स हो गए, अंडर आर्म्स हो गए, वहाँ ज़्यादा बेटर है, हाथ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने बाल निकल के आ रहे हैं, एंड ईजिली इसे आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे यूज़ करना है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो मुझे कुछ लगे नहीं, एंड इससे ईजिली आराम से हेयर निकल गए। ये इसके साथ साथ क्या करता है कि ये आपके हेयर तो निकालते ही निकालता है, साथ में डेड स्किन सेल्स और टैनिंग को भी निकाल देता है। तो मैं 2 से 3 बार आपको इससे यूज़ करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है, इसमें से लेके और फिर इसको थोड़ा एक स्ट्रिप लगानी है 1, और फिर इस तरह से पील ऑफ करना है। तो ये है सिंपल ईजी तरीका जिस तरह से आप ये ब्राज़ीलियन वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे लेग्स एक साइड हेयर हैं और इस तरफ थोड़े हेयर निकल चुके हैं मेरे काफ़ी। तो कुछ वूमेंस को लगता है कि वैक्सिंग, खुद पर वैक्सिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट रियली मैं खुद की अपनी वैक्सिंग कर लेती हूँ, तो खुद पे अपने वैक्सिंग करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको आसानी से आप ये कर सकते हैं। वैक्सिंग करने के बहुत बहुत तरीके हैं और आप कौन सा आपको बेस्ट लगता है वो सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मुझे जो है मैं खुद से वैक्सिंग कर लेती हूँ या किसी की थोड़ी अपने हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ कभी कभी। तो अगर आप 2 से 3 वुमेन हैं घर में तो और भी अच्छी बात है और आराम से आप घर पे ही वैक्स कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।